अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे ग्रुप कंपनी क्या है और इसका क्या उपयोग है, इसे टैली में कैसे बनाते हैं, ग्रुप कंपनी में किसी कंपनी को ऐड या रिमूव कैसे करते हैं, ग्रुप कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। टैली प्राइम का ये टॉपिक ग्रुप कंपनी बहुत ही छोटा और सरल है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहले समझते हैं कि ग्रुप कंपनी क्या होती है। ग्रुप का मतलब होता है एक से अधिक, इसी तरह ग्रुप कंपनी का मतलब हुआ एक से ज्यादा कंपनियां। सरल शब्दों में कहें तो जब एक से ज्यादा कंपनियां एक साथ मर्ज हो जाती हैं, यानी एक साथ आ जाती हैं, तो उसे हम ग्रुप कंपनी कहते हैं। टैली प्राइम ने हमें यह सुविधा दी है कि हम एक ही स्थान पर एक साथ अपनी सभी कंपनीज को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, तो इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा नेशनल ट्रेडर्स के नाम से एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसका हेड ऑफिस इंदौर में है, एक ब्रांच दिल्ली में है और एक मुंबई में है। हम इन सभी की अकाउंटिंग टैली में अलग अलग कंपनी में करते हैं। अब यदि हम इनमें से किसी एक कंपनी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, जैसे उसमें कितनी परचेज हुई, कितनी सेल्स हुई या कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जानने के लिए हम उस कंपनी को ओपन करके देख सकते हैं। पर यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे हेड ऑफिस और ब्रांचेस को मिलाकर कुल कितनी परचेज हुई, कितनी सेल्स हुई या कितना प्रॉफिट हो रहा है, या इन सभी की और कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमें चाहिए, या फिर हमें एक साथ अपने हेड ऑफिस और ब्रांचेस की कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक रिपोर्ट चाहिए, तो ये सब काम हम ग्रुप कंपनी बनाकर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आपके कई सारे व्यवसाय हैं और उनकी अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं, तो उनकी भी आप एक साथ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख सकते हैं और आपस में उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप कंपनी कैसे बनाते हैं। हमने टैली ओपन कर लिया है। इसमें हमें तीन कंपनियां, नेशनल ट्रेडर्स हेड ऑफिस इंदौर, नेशनल ट्रेडर्स दिल्ली और नेशनल ट्रेडर्स मुंबई के नाम से दिखाई दे रही हैं। अब हम इन तीनों को मिलाकर एक ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। ये देखिए कंपनी क्रिएशन स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब हमें ग्रुप कंपनी बनाना है, उसके लिए यहाँ राइट साइड में दिखाई दे रहे ग्रुप कंपनी ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें या फिर ऑल्टर के साथ आर की प्रेस करें। ये देखिए अब कंपनी क्रिएशन की जगह पर ग्रुप कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर कंपनी नेम में हमें ग्रुप कंपनी का नाम टाइप करना है। हम नेशनल ट्रेडर्स ग्रुप टाइप कर रहे हैं। एड्रेस को हम ब्लैंक ही रहने देते हैं क्योंकि इस ग्रुप में शामिल होने वाली सारी कंपनीज के एड्रेस अलग अलग हैं। स्टेट में हमें राज्य का नाम टाइप करना है। अब यदि हमारी सारी कंपनियां किसी एक ही स्टेट में होती तो हम यहाँ पर उस स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेते, पर चूंकि हमारी सारी कंपनियां अलग अलग स्टेट्स में हैं, इसलिए यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल ही रहने देंगे, कंट्री में इंडिया ही रहने देंगे। पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि डिटेल्स चाहे तो टाइप कर सकते हैं, हम इन्हें ब्लैंक रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है मेंबर्स कंपनीज। इसमें हमें उन कंपनीज को सिलेक्ट करना है जिन्हें हम इस ग्रुप कंपनी में शामिल करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई दे रही है। टैली में आपकी जो जो कंपनीज ओपन रहती हैं, वो सारी कंपनीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप उन्हें यहीं से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमने टैली में एक भी कंपनी को ओपन नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंपनी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारी जितनी भी कंपनीज हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसमें से पहले हम नेशनल ट्रेडर्स हेड ऑफिस को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब फिर से सिलेक्ट कंपनी पर जाकर अगली कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह तीसरी कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह आप ग्रुप कंपनी में जितनी भी कंपनीज को ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अंत में हम एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करके ग्रुप कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा करते ही हमारी ग्रुप कंपनी क्रिएट हो गई है। ये देखिए अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज खुली हुई दिखाई दे रही हैं।
यहाँ हम आपको बता दें कि इसमें एक तो हमारी ग्रुप कंपनी ओपन है और इसके अलावा हमने जिन जिन कंपनीज को ग्रुप कंपनी में ऐड किया है वो कंपनीज भी ओपन हो गई हैं। हम ग्रुप कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनीज को एक एक करके कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करके शट कर देते हैं। ये देखिए अब केवल ग्रुप कंपनी ही ओपन है और उसमें कौन कौन सी कंपनीज एडेड हैं वो भी दिखाई दे रहा है। अब हम इस ग्रुप कंपनी को माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं। इस रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए ऑल्टर के साथ F5 की प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी सिलेक्ट की गई तीनों कंपनीज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ रही है। इससे ये पता चल रहा है कि हमें तीनों कंपनीज को मिलाकर कुल कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब यदि हम सभी कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर और सी की को प्रेस करके न्यू कॉलम पर जाएं। और अब यहां से नेशनल ट्रेडर्स हेड ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम में 1st April 2023 रहने देंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम दूसरी और तीसरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ओपन कर लेते। देखिए अब हमें ग्रुप कंपनी के साथ साथ इंदौर, दिल्ली और मुंबई का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है। अब यहां हम आसानी से इन तीनों कंपनीज की आपस में तुलना कर सकते हैं कि किस कंपनी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किस कंपनी से सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सभी को मिलाकर कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह हम अन्य रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस इत्यादि को भी कंसोलिडेट करके देख सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता रहे हैं जो आपको ग्रुप कंपनी क्रिएट करते समय ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आप जितनी भी कंपनीज को लेकर ग्रुप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं उन सभी कंपनीज में बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम एक समान ही होने चाहिए, नहीं तो सभी कंपनीज के बैलेंस एक साथ कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम एक समान है कि नहीं ये आप कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन पर जाकर पहले चेक कर लें। दूसरी बात, सभी कंपनियों में संबंधित मास्टर्स के नाम समान होने चाहिए, तभी सभी कंपनियों का सही कंसोलिडेशन हो पाएगा और हमें सही रिपोर्ट मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी में सेल अकाउंट है और दूसरी कंपनी में सेल्स अकाउंट है तो इससे ग्रुप कंपनी में कंफ्यूजन होगा और ठीक से कंसोलिडेशन नहीं होगा। तीसरी बात, ग्रुप कंपनी के माध्यम से आप केवल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आप इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि यदि आप ग्रुप कंपनी में से किसी मेंबर कंपनी को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्रुप कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन पर जाना होगा। उसके लिए ऑल्टर के साथ के की को प्रेस करें, यहां से ऑल्टर पर जाएं। अब यहां से नेशनल ट्रेडर ग्रुप सिलेक्ट करें। ग्रुप कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन आ गई है। अब एंटर प्रेस करते हुए मेंबर कंपनीज पर जाएं। यहां आप जिस भी कंपनी को रिमूव करना चाहते हैं उसको छोड़कर ग्रुप की बाकी की कंपनीज को दोबारा सिलेक्ट कर लें। हमने हेड ऑफिस को छोड़कर बाकी दोनों कंपनीज को फिर से सिलेक्ट कर लिया है और अब एंटर प्रेस करते हुए इस ऑल्टरेशन स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। कंपनी रिमूव हुई है या नहीं ये देखने के लिए हम ग्रुप कंपनी को बंद करके फिर से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ग्रुप कंपनी में से हेड ऑफिस वाली कंपनी रिमूव हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हम ग्रुप कंपनी में बाद में कुछ और कंपनीज ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी ग्रुप कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन पर जाएं। अब एंटर प्रेस करते हुए मेंबर कंपनी पर जाएं। अब एक बार और एंटर प्रेस करें। अब यहां हमें नई मेंबर कंपनी ऐड करना है तो उसके लिए लिस्ट ऑफ कंपनीज में सिलेक्ट कंपनीज पर जाएंगे।
अब लिस्ट में से जो भी कंपनी ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हम हेड ऑफिस वाली कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप और भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लें। अब एक बार ग्रुप कंपनी को बंद करके ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए, ग्रुप कंपनी में एक और कंपनी ऐड हो गई है। चलिए अब हम ग्रुप कंपनी को डिलीट करना भी बता देते हैं। पर उसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि ग्रुप कंपनी डिलीट करने से उसमें जो कंपनीज एडेड हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रुप कंपनी डिलीट करने के लिए ग्रुप कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन पर जाएं। यहां पर ऑल्टर के साथ डी की प्रेस करें। अब एंटर प्रेस करें। एक बार और एंटर प्रेस करें। ये देखिए, ग्रुप कंपनी डिलीट हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।